उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के औद्योगिक कारोबारी इस साल पेश होने वाले अंतरिम बजट में उद्योग के लिए जरूरी प्रोत्साहन की उम्मीद लगा रहे हैं। उधम सिंह नगर के स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड में विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्योगपतियों को आगामी बजट में टैक्स कम होने की उम्मीद है। जैसे हमारा शेड्यूल यहाँ पर इंडस्ट्रीज एरिया है, तो इसमें क्या है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो टैक्स बेनिफिट के लिए आई थी और टैक्स में काम भी कर रही हैं। तो मेरा अपेक्षा है कि ऐसे एसई जेड एरिया बहुत सारे होंगे इंडिया के अंदर, तो उनमें कुछ टैक्स बेनिफिट्स को और बढ़ाया जाए और थोड़ा फेज बाई फेज उसको दिया जाए, जिससे कि इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म्स में उस पर्टिकुलर एरिया में रहे और जो वहाँ पर रोजगार जनरेट हुए हैं, जो पैदा हुए हैं रोजगार, वो वहाँ पर कंटिन्यूटी बनी रहे। कुछ व्यवसाय मालिकों को उम्मीद है कि आम आदमी के लिए उनकी जरूरत के आधार पर उत्पादों पर टैक्स कम हो सकता है। आज जो अपना मिनरल वाटर का बोतल है, कभी ये एक आम खास के लिए हुआ करता था, बट एक आज आम पब्लिक की जरूरत हो गई है। तो इसमें मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो सरकार का जो टैक्सेशन का स्लैब है, ये आम पब्लिक की जरूरत को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, इस पे जो भी अभी टैक्स है उसमें कुछ कमी करने का प्रावधान लेकर करके आए, जिससे कि लोगों को कुछ सस्ते रेट पे हम अपनी प्रोडक्ट को उपलब्ध करा सकें। सभी लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल आएंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल आने चाहिए, तो हम भी उसमें बिल्कुल सहयोग चाहते हैं इंडस्ट्रीज के, इंडस्ट्रीज वाले भी वित्त मंत्री जी से। तो जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको कुछ टैक्स बेनिफिट या इंसेंटिव्स दिए जाएं, जिससे कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसकी कॉस्ट कम हो और आम आदमी की पहुंच में आए, जिससे कि वो इमीडिएटली उसको खरीद ले। और जो हमारा जो सरकार का एक मोटो है कि यहाँ इलेक्ट्रिकल व्हीकल ज़्यादा हों, ताकि हमारा नेचुरल रिसोर्सेज कम से कम, डीजल का कोई हमारा भरोसा नहीं कब तक है, हम ज़्यादातर बाहर से मंगाते हैं, तो वो उसमें कम से कम हमारा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी हो। वहीं कुछ व्यवसाय मालिकों ने वन नेशन वन टैक्स के तहत जीएसटी पर सवाल उठाए, जबकि कई को उम्मीद है कि पुराने व्यवसायों को जिले में स्टार्टअप के समान रियायतें मिलेंगी। देखिए, 1 फरवरी को जो इंट्री बजट पेश होने वाला है, उसमें इंडस्ट्री ये चाहेगी कि जिस तरह हम वन नेशन वन इलेक्शन को बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो वन नेशन वन टैक्स क्यों नहीं। आज हम इनकम टैक्स भी देते हैं और अगर जीएसटी भी देते हैं और जितने टैक्स होते हैं सारे देते हैं, अगर कुल मिलाकर देखें तो आप अपनी अर्निंग का 60-67% टैक्स में दे रहे हैं, तो जो अर्नर है उसको फ़ायदा क्या हो रहा है, सैलरी क्लास जो है बेसिकली उसको क्या फ़ायदा हो रहा है, तो हम चाहेंगे ये बेनिफिट मिले। बजट की सहूलियत देनी तो ये तो सरकार पर डिपेंड करता है, वो क्या सहूलियत देगी। हमारी तो इतनी अपेक्षाएँ हैं कि जो नई इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट का ध्यान ज़्यादा रहे, हम चाहते हैं कि पुरानी इंडस्ट्रियां भी, उनके सर्वाइवल के लिए भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जो रियायत गवर्नमेंट नई इंडस्ट्री को दे रही है वो रियायतें पुरानी इंडस्ट्री पे भी लागू होनी चाहिए। नई पे कितना है? नई पे जैसे स्टार्टअप पे गवर्नमेंट जो है इनकम टैक्स में 15% है उन पर, जो है पुरानी इंडस्ट्रियों पर आज भी 24-25% है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करेंगी।